चलिए जो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो रीजनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई नंबर गिवन है यहाँ पे 2, 6, 8, 10, तो यहाँ पे बेटा ये क्या लिख रहा है, ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो नंबर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो कौन सी प्रॉबिलिटी होती है, वहाँ पे दो प्रॉबिलिटी होती है, या तो वहाँ पे कोई चीज ऐड किया गया होगा या वहां पे मल्टीप्लाई किया गया। अच्छा बेटा, जब दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस अगर बहुत कम हो या इस सेकंड सो 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि अगर हम किसी चीज में जैसे ऐड कर दें, जैसे 2 में इसमें हमने 3 ऐड कर दिया या 5 ऐड कर दिया, तो नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब जब कोई नंबर हम ये देखे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है या सेम थोड़े थोड़े डिफरेंस में आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो वहां पे एडिशन होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, और अगर ये सारी चीजें हैं तो नंबर से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ नंबर कभी कभी क्या होता है, एक तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, अगर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वहां पे या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन अगर नंबर कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे यहां पे हो गया 24, फिर ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, इस तरह से नंबर अगर आए, तो बेटा नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने का मतलब क्या होता है, वहां पे दो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो वो माइनस किया गया है किसी चीज में, अगर आप माइनस करेंगे, जैसे कोई नंबर आपके पास 10 है, 10 में से अगर मान लिया आपने तो 3 माइनस कर दिया तो क्या बचा बेटा, 7 बचेगा, इसका मतलब नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए तो हमारे दिमाग में दो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, या वहां पे सबट्रैक्ट किया गया है, माइनस किया गया है, या वहां पे डिवाइड किया गया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे सबट्रैक्शन है या डिविजन है, तो बेटा जब नंबर धीरे धीरे घटता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में धीरे धीरे घटता है, इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि वहां पे कोई कोई चीज सबट्रैक्ट किया गया है। हमें ऐसे क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेना चाहिए, और जब नंबर बहुत तेजी से डिक्रीज होता जाए, इसका मतलब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वहां पे डिविजन किया गया है। इन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, प्लस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, जब सीरीज बहुत तेजी से बढ़े या बहुत तेजी से घटे तो उसमें क्या होता है, कई रूल्स लगते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, या +2 +3, या 1 का क्यूब, मतलब ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस माइनस 1, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस माइनस 2, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस माइनस 2, या 3, तो इस तरह से हमें चेक करना होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे नंबर सिक्स के क्वेश्चन, उतना ही ऑप्शन आपके माइंड में जनरेट होता रहेगा। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे नंबर सीरीज सॉल्व होता है, ठीक है। तो बेटा जैसे हम पहले क्वेश्चन में यहाँ पे आ गए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे पहला नंबर 4 है, 7 है, 12 है, 19 है और 28 है, और ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे नेक्स्ट नंबर क्या है, तो ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, डिफरेंस इसके बीच का कितना है बेटा, यहाँ पे 4, 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है, 7 का। बेटा देखो यहाँ पे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब यहाँ पे या तो एडिशन है या तो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन जो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वहाँ डिफरेंस बहुत थोड़े थोड़े, इसका मतलब कोई ना कोई चीज ऐड किया जा रहा है, अब हमें एक ऑप्शन क्लियर हो गया, ऐड किया जा रहा है, इसमें 3 ऐड किया जा रहा है, इसमें 5, इसमें 7 और इसमें कितना हो जाएगा, 9। तो बेटा ये क्लियर है, अगला नंबर क्या है, ये सब ऑड नंबर है, 3, 5, 7, 8, अगला नंबर क्या होगा, 11, तो 28 में 11 अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 28, 29, 39, ये आपका आंसर हो जाएगा 39, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे इनमें डिफरेंस कितना है, 3 का, इनमें डिफरेंस कितना है, 4 का, ये डिफरेंस नहीं पता है, इनमें डिफरेंस कितना है, 7, इसका मतलब ऑप्शन तो कुछ समझ में आ रहा है, इन दोनों के भी डिफरेंस कितना हो गया बेटा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो नंबर बचता है 5 और 6, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक नंबर लाना है, तो ये ऑप्शन एकदम सीक्वेंस से चल रहा है, यहाँ पे हम 6
एक कांस्टेंट बन गया 3 4 5 6 7, इसका मतलब यहां पे 4 का डिफरेंस था, यहां पे कितना हो गया 5 9 5 14, ये 14 हो गया। अब ये देख लीजिए इसका डिफरेंस हो गया, इसका मतलब 14 आंसर आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पे डिफरेंस कितना है 8, यहां पे कितना डिफरेंस है 10, यहां पे डिफरेंस कितना है 28 29 30 10 40 12। हमें लगता है भाई कौन से 8 10 12 1 14 तो नहीं है, 1 14, इसका मतलब ये 16, 8 10 12 14 16, इसका मतलब ये 18 का डिफरेंस होगा बेटा। कांसेप्ट एक सीक्वेंस से चल रहा है, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका रेडिएशन लेवल बढ़ता है, तो ये नंबर आपका हो जाएगा 88। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में है ये बेटा, यहाँ पे क्या है इसके बीच का डिफरेंस है 2 और इनके बीच का डिफरेंस है 5, इसका मतलब दो ही नंबर बचता है यहाँ पे 3 और 4, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे 3 का डिफरेंस कर दे और यहाँ का 4, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो गया। अब इसके बीच का डिफरेंस क्या है बेटा 4, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 10, 4 और 10 इसका मतलब इसके बीच में 14 एडजस्ट करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये अगर हम 6 का कर दें और ये 8 का कर दें 8 6 14, तो क्या हो गया 7 6 13, ये 13 8 21 हो गया आपका ये 7 by 13। ठीक है, और हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये भी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस कितना है बेटा 5 का। ठीक है, यहाँ पे कोई